अस्सलाम वालेकुम। यही क्वेश्चन तकरीबन 20 साल के बच्चे आराम से इसको हल कर सकते हैं। इसमें मैंने इक्वेशन के नाम दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। तो पहले आप इसको कमेंट्स में आंसर दें और इस बाद में आप मेरा आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को स्टॉप कर दें ताकि आराम से इसको आप हल कर सकें, आराम से इसका जवाब दे सकें। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 10। इस इक्वेशन में पहले हम इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में जो बंदूक बंदा पकड़ा हुआ है उसकी वैल्यू आती है 4। तो 8 - 4 = 4 आ जाता है। इस 4 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो फिर उसमें जो दूसरा वाइट कलर वाला बंदा है उसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि 5 + 1 + 4 = 10। उसके बाद जब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो इस तलवार जो पकड़ी हुई है और साथ में दूसरा जो टैटू है उसके 0.5 आती है। 0.5 इसलिए लिया है क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए ये पॉइंट। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं तो जो डंडा पकड़ा हुआ है आदमी ने उसकी वैल्यू 8 आती है। तो इस सब की वैल्यू अगर हम फाइनल इक्वेशन में डालेंगे तो 0.5 + 1 + 8 + 0.5 = 10 आंसर आता है। इसका आंसर है 10।